जीती रहे। आखिर तूने कर दिखाया निशा। हाँ पापा। इतना कहकर निशा अपने सामने खड़े आदमी को सल्यूट करती है और तभी वहाँ खड़े सारे मोहल्ले वाले निशा और राम के लिए जोर जोर से ताली बजाने लगते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा मोहल्ला गूंजने लगता है। तालियाँ रुक नहीं रही थी और उन तालियों को सुनकर राम कहीं खो जाता है। राम को याद आता है जब वो कॉलेज में था और गाना गा रहा था, तब पूरे हॉल में उसके लिए ऐसे ही तालियां बज रही थी। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था पर राम तो बस संध्या को ही देखे जा रहा था। ये कहानी है राम, संध्या और निशा की। उस दिन संध्या, संध्या आज मेरी परफॉर्मेंस है, तुम आओगी ना? क्यों, मैं क्यों आऊं? तुम आओगी तो मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है, मैं सोचूंगी। संध्या और राम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। संध्या देखने में बहुत ही सुंदर थी और बहुत समझदार और संस्कारी भी थी। राम उसे दिल ही दिल में पसंद करने लगा था, ये बात संध्या भी जानती थी, लेकिन राम उससे कह नहीं पाता था। उस दिन शाम को परफॉर्मेंस के बाद राम ने बड़ी हिम्मत करके संध्या से कहा, संध्या मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। रहने दो राम, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो। देखो जो तुम सोच रहे हो ना वो कभी नहीं हो पाएगा। पर दिक्कत क्या है, मैं पढ़ाई लिखाई में अच्छा हूँ, अच्छा गाना गाता हूँ, मेरे पिताजी नौकरी करते हैं, फिर तुम क्यों नहीं मान रही? मैं नहीं, मेरे पिताजी नहीं मानेंगे राम, वो एक छोटे से किसान हैं। वो चाहते हैं कि मैं और मेरी बहन पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करें। और रही बात शादी की, तो वो कभी भी अपनी जात बिरादरी से बाहर जाकर मेरी शादी नहीं करेंगे। पर जमाना बदल गया है संध्या, अब ये जाति बिरादरी के बारे में मैं भी नहीं सोचती राम, पर मेरे पिताजी सोचते हैं। वो वैसे भी बीमार रहते हैं, मैं उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ नहीं देना चाहती। इतना कहकर संध्या वहां से चली गई। पर राम संध्या से बहुत प्यार करता था और हर हाल में उससे शादी करना चाहता था। संध्या के मना करने के बावजूद वो नहीं माना और किसी तरह संध्या का पीछा करता हुआ उसके घर तक पहुंच गया। शहर से लगे एक गांव में वो एक कच्चा मकान था। उस घर की हालत बहुत ही खराब थी। उस कच्चे घर को देखकर राम हैरान रह गया कि संध्या किस मुश्किल दौर से गुजर रही थी। वो जैसे ही घर के अंदर आया तो उसने देखा कि संध्या अपने पिता को दवाई पिला रही थी और उसकी छोटी बहन पास में ही चूल्हे पर खाना बना रही थी। राम तुम यहाँ? मुझे बस तुम्हारे पिताजी से कुछ बात करनी है। कौन है संध्या? कोई नहीं बाबा, वो मैं राम हूँ। नमस्ते। नमस्ते। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं बेटा। जी मैं आपकी बेटी संध्या के साथ कॉलेज में पढ़ता हूँ। अंकल जी मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। इस घर की हालत देख रहे हो बेटा, मैं तुम्हें क्या दे पाऊंगा? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस संध्या को मेरे साथ भेज दीजिएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं जिंदगी भर उसका ख्याल रखूंगा। मेरा ख्याल तो तुम रख लोगे, पर उसके बाद मेरी छोटी का क्या होगा? वो देखो, वो मेरी छोटी बहन है, अभी स्कूल में पढ़ती है। मैं कॉलेज के बाद काम करने जाती हूँ, जो पैसे कमाती हूँ उसी से पिताजी की दवाई और इस घर का खर्चा चलता है, समझे? इसीलिए मैं तुमसे शादी करने के लिए मना कर रही थी और तुम सीधा मेरे घर चले आए। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं तुमसे क्या किसी से भी शादी नहीं कर सकती। अब हम पर तरस खाओ और चले जाओ यहाँ से, प्लीज। राम वहां से चला गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे पता नहीं था कि संध्या इतने बुरे हालात से गुजर रही थी, पर उसने भी ठान ली थी। अगली सुबह वो अपनी मोटरसाइकिल लेकर संध्या के घर पहुंचा और उसे अपने साथ कॉलेज ले गया। शाम को संध्या के पिता के लिए उसने दवाइयां ली और फिर संध्या के साथ उसके घर पहुंचा। उस दिन राम सबके लिए बाहर से खाना लाया था। सबने मिलकर साथ में खाना खाया और फिर संध्या जब अपने काम पर चली गई तो राम उसकी छोटी बहन को पढ़ाने लगा। संध्या की छोटी बहन पढ़ने में बहुत होशियार थी। ये देखकर राम को बहुत अच्छा लगा। उसने हीरा लाल के साथ ढेर सारी बातें की और फिर वो वापस अपने घर चला गया। अब तो राम इसी तरह हर रोज संध्या और उसके परिवार का ख्याल रखता। संध्या के साथ साथ उसके पिता और उसकी छोटी बहन भी उसे बहुत पसंद करने लगे थे। सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन, राम राम जल्दी से आओ, बाबा खून की उल्टी कर रहे हैं। तुम चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ। राम बाइक से बहुत तेज संध्या के घर पहुंचा। उसने देखा कि हीरा लाल की आखिरी सांसें चल रही थी। उसने फौरन एम्बुलेंस बुलाने के लिए अपना फोन निकाला, पर तभी हीरा लाल ने कांपते हुए हाथों से उसका हाथ पकड़कर संध्या के हाथ में रख दिया और कहा, अब मेरे पास समय नहीं है बेटा, वादा करो कि
मेरी बेटी संध्या को पत्नी के रूप में और मेरी छोटी बेटी निशा को बेटी के रूप में हमेशा खुश रखोगे। मैं वादा करता हूँ आपसे। इतना सुनते ही हीरालाल ने उन दोनों के सिर पर हाथ रखा और स्वर्ग से धार गए। कुछ दिनों बाद ही राम ने मंदिर में संध्या से शादी कर ली और वो संध्या और उसकी छोटी बहन को लेकर अपने घर चला गया। पर बिना दहेज की बहू और दहेज में आई साली देखकर राम के घर वालों ने उसे घर से बाहर कर दिया। तब राम ने एक घर किराए पर लिया और एक नई जिंदगी शुरू की। लेकिन ये सब इतना आसान कहाँ था। पड़ोसी उसे और उसकी पत्नी संध्या को ताने मारने लगे। अरे देखो तो कितनी बेशर्म है ये लड़की, अपने साथ अपनी बहन को भी ले आई। और देखो तो सही, दहेज के नाम पर बस एक साली आई है जनाब की। खैर मजे तो राम के हैं, बीवी के साथ साथ साली भी मिल गई। बाय वन गेट वन ऑफर मिला है इसे तो। राम संध्या और निशा ने हर बात सुनी पर उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा। फिर उसी शाम, जीजा जी आप मुझे पढ़ा देंगे? जीजा जी नहीं, आज से तुम मेरी बेटी हो, मुझे पापा कहोगी। मैं आज से तुम्हारा पिता हूँ और तुम मेरी बेटी। ये वही पड़ोसी थे जो आज निशा और राम के लिए अब तक तालियां बजा रहे थे। उनकी तालियों में जैसे क्षमा याचना थी जो वो राम और संध्या से मांग रहे थे। तभी संध्या ने राम की तरफ देखकर कहा, आज तुमने अपना हर फर्ज निभा दिया, मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम मिले। नहीं संध्या, मैं खुशकिस्मत हूँ जो मुझे तुम जैसी पत्नी और निशा जैसी होनहार बेटी मिली, जिसने मेरा नाम रोशन कर दिया और लोगों के तानों को तालियों में बदल दिया।